Okay. So hello everybody. So welcome to our YouTube channel. Let's crack CBSE Commerce. I'm Riti Spandana. I've done my BTech. I have 9 years plus teaching experience, and I'm a faculty in Hyderabad. So a quick introduction about our Unacademy platform. When you download Unacademy app, what is it that you can expect? So we have daily live classes. So through these daily live classes, you can get all of your doubts clarified by the educator jaise class chalega. So basically, this is going to give you a real-time classroom experience. Live tests and quizzes help you in analyzing what are your strong areas and what are your weak areas much early before the examination. Structured courses. तो सारे जो कोर्सेस प्लान किए जाएंगे सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे वो आपके बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से रहेंगे. तो एडुकेटर जो है वो आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में नोट्स भी आपको देंगे. क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस होंगे. सब कुछ आपको कवर होगा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे. एंड वी हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज वीडियोज़. जैसे अगर आपने कोई एक लाइव सेशन मिस भी किया, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. यू कैन ऑलवेज अटेंड अ रिकॉर्डेड सेशन ऑफ द सेम. We also have something called special classes on the subscription platform. So please download the app today. आज ही app download कर लो जल्दी से क्योंकि इसमें जो है हम special classes यानी free classes भी देते हैं. So this will give you a basic idea interface कैसा है, an academy का app कैसा है, और ये sessions भी आपको beneficial रहेंगे. So please download the app today. All you have to do is go into Google App Store or Apple App Store and download the Unacademy Learning app. We are also on Telegram. So there's a Telegram link, my Unacademy Educator profile, and also a link from where you can download all of these in the description below this video. Subscription jo hai, agar aap dekhte ho, agar aap 11th mein ho, तो इट मेक्स सेंस फॉर यू टू टेक अ ड्यूअल सब्सक्रिप्शन. तो आपको इस साल अलग, अगले साल अलग, ऐसे अलग अलग सब्सक्रिप्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक ड्यूअल सब्सक्रिप्शन में आपको 2 ईयर्स का पूरा ट्यूशन कवर्ड रहेगा. तो आई विल गिव यू अनदर रीज़न व्हाई यू नीड टू डू दैट, क्योंकि आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत पड़ेगा अगर आप अलग अलग लेते हो. तो अगर आप मेरा कोड यूज़ भी करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 27,000 पड़ेगा. बट अगर आप ड्यूअल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 22,500 में. सो द ड्यूअल सब्सक्रिप्शन एक्चुअल कॉस्ट इज़ 25,000, बट इफ़ यू यूज़ माई कोड RITI रीति, आपको 10% ऑफ मिलेगा और वो कॉस्ट हो जाएगा सिर्फ 22,500. और अगर आप 12th में हो तो यू कैन टेक द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन. इट मेक्स यू नो यू कैन डू दैट. और 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो 15,000 का है. बट अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो RITI रीति, आपको 10% ऑफ मिलेगा और फ़ी हो जाएगी सिर्फ 13,500 रुपीज़. सो प्लीज़ डू नॉट डिले, एनरोल टुडे. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द लेसन द 3rd level. ओके. Okay, let's begin the session. Before you read, what do we so this is a lesson which is written by Jack Finney. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? यानी आपके साथ क्या ऐसा कुछ हुआ है जो दूसरे लोगों को विश्वास नहीं करना पड़े, या फिर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है जो वो इतना ज़्यादा अजीब है कि
कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो सकता है. दैट इज़ वॉट दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट. तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कोई चीज़ इतनी अजीब है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, जैसे आपको कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हुआ हो या कुछ इस प्रकार की कोई एक एक्सपीरियंस जो दूसरों को विश्वास करने में यू नो मुश्किल लगे. द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर आर ओनली टू. ओके, कि वो कुछ भी जो है किसी भी चीज़ पे वो जो है स्वेयर यानी प्रॉमिस. करके बोल सकते हैं कि देर आर ओनली टू. टू ऑफ वॉट वी डोंट नो येट. ओके, बट आई से देर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो वो बोल रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल का प्रेजिडेंस है, हर कोई जो है वो किसी भी चीज़ पे प्रॉमिस करके बोल सकते हैं कि वहाँ पे स्टेशन में सिर्फ दो लेवल्स है, बट मैं बोलूँगा कि वहाँ पे तीन लेवल्स है. ओके, सो दिस इज़ अगेन अ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड एमंग अदर्स. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. यानी आप डे ड्रीमिंग जब करते हो, आपको लगता है कि कोई चीज़ है, बट आप एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो चलते रहता है और आपको लगता है जैसे वो सच में हो रहा हो. सो दैट इज़ वॉट ही इज़ टॉकिंग अबाउट हियर. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape. So jab usne bataya wo psychiatrist ne ye bola hai ki wo ek day dream mein tha, wo real nahi ho sakta hai aur usne ye bhi bola hai ki wo unhappy hai narrator, isiliye aisa kuch hua hoga. To unki wife ko bahut gussa aaya, बट फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो वर्ल्ड है अभी मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी डर मन में हमेशा रहता है जॉब को लेकर या पढ़ाई को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, और वॉर है और डिसीज़ है. तो इन सब चीज़ों की वजह से वो ना खुश है और एस्केप होना चाहता था किसी और दुनिया में. वेल, हु डजंट, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन into any third level at Grand Central Station. तो narrator ये बोल रहे हैं कि मैं तो इतने लोगों को जानता हूँ जो हर कोई escape होना चाहता है, कौन escape नहीं होना चाहता है, but वो लोग सब जो है third level पर चले नहीं जा रहे हैं. That's what he wants to convey here. But that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful. तो वो बता रहे हैं कि reality से जो है हर किसी को break चाहिए ताकि वो किसी और दुनिया में, for example, we all go on vacations. Why do we go on vacations? Because we want to get away from our regular everyday stuff. Okay, that's what he's talking about. In his day from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too, blocks of four of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. तो वो जो narrator है वो stamp collector है. Okay, so do you have any doubts so far?
Okay, now let's continue. So a person who collects. So the narrator was a person who used to collect stamps. Okay, they're also called philatelists. Okay. Or stamp collectors. Anyway, here's what happened at the Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो उन्होंने ट्रेन लोकल ट्रेन लेने का सोचा क्योंकि वो बस से जल्दी पहुंचाता है. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली. तो ये नरेटर का नाम है चार्ली. 31 इयर्स ओल्ड एंड आई वाज वेयरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट. ओके सो इट्स लाइक अ क्लॉथ एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड. आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी. And I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Lucia, my wife. तो वो बस घर जा रहे थे ऑफिस से. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains to the like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave. Ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. That's easy to do. I've been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. तो ये बोल रहा है कि मैं हजारों बार कई hundreds of times गया हूँ Grand Central, but जब भी जाता हूँ मुझे एक नया staircase या नया दरवाजे या कुछ ना कुछ कॉरिडोर नया सब कुछ कुछ ना कुछ नया दिखता ही है वहाँ पे. वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. अनदर टाइम आई केम इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. यानी ये पहला इंसिडेंट नहीं, उसके साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो ग्रैंड सेंट्रल गया है और कहीं और निकला है वहाँ से. तो ये वो कंपैरिजन, सो ही इज यूजिंग अ मेटाफर. ओके ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल को. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park. Okay? And maybe, because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. So, ये जो है बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट अ वे टू एस्केप मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू. सो हियर ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ इन ग्रैंड सेंट्रल मेनी पीपल हैव एस्केप्ड. दे हैव रैन अवे समवेयर और द अदर एंड प्रॉब्ली दैट्स वाई ही ऑल्सो हैड सच एक्सपीरियंसिस. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट आई वॉज रॉन्ग. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my footsteps and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at the Grand Central station. For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. तो वो जो वो narrator है वो उस tunnel के अंदर गए थे और tunnel से बाहर निकल के जो है third floor में आ गए. बट वहाँ पे थर्ड फ्लोर जो है वो कैसे पहचाने उन्होंने,
बिकॉज वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं थे और टिकट कलेक्टर्स भी बहुत कम थे. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. तो वो जो है गैस लाइट्स थी, इस प्रकार की जो लाइट्स होती है लैंटर्न वाली. ओके there were brass spittoons on the floor. Spittoons is something that you spit into. And across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He wore a derby hat, a black four button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. ओके यानी वो सब 19th century के लोगों के जैसे ड्रेस किए हुए थे सब लोग. एवरीबडी वॉज ड्रेस्ड लाइक द Everybody was dressed like the 19th century. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts off the top of her high button shoes. Back of her, out of the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Courier Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. Locomotive is a train. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World. The World hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. Yani wo 100 years piche chale gaye the. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States, and we wanted to go in the year 1894. And I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Have you been there? It's a wonderful town still, with big old flame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches never meet overhead of and the roof of streets. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around, in a peaceful world. To be back there with the First World War till 20 years off and the Second World War over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. So he wanted to go back to a time when there was no world war. The clerk figured the fare. Fare is the cost. He glanced at my fancy hat band, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way.
But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. "That ain't money, mister," he said. "And if you're trying to skin me, you won't get very far." Why? Because the currency has been changed after the World War in the US. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail, even in 1894. And that was that. I left the same way I came, I suppose. Next day, during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old-style currency. That really worried my psychiatrist friend. Yani unhone old style currency jo hai $300 se khareed liya hai. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. तो क्यों वो बोल रहे हैं कि अगर पैसे कम भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अगर वापस वहाँ चला जाऊँगा तो मेरे को खर्चे उतने नहीं होंगे, क्योंकि उस समय में सब कुछ जो है वो बहुत ही सस्ता था अभी से. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried enough, often enough. Lucia was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Wiener disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he liked the sound of the place. And that's where he is, all right, in 1894. Because one night fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some. So that's the first day issue. Yani wo market mein hit karne ke pehle stamp collectors khareed lete hain kuch samples ko. And use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. And the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. But there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. And it had been there since 18 July 1894. Yani, wo third level exist karta hai. Kyun? Kyunki unka jo friend hai, wo gayab ho gaya tha. Aur unke paas jo first covers, jo stamp collecting ke envelopes the, usme ek aisa envelope tha jo Galesburg se aaya tha, जिसके ऊपर जो स्टैम्प लगा हुआ है वो 1894 का था. और उसके दोस्त को इसी ने बताया कि गेल्सबर्ग जो है बहुत ही अच्छी जगह है, तो उसको ये लगता है कि उसका फ्रेंड जो है वो गायब होके 1894 गेल्सबर्ग चला गया है. येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल. द स्टैम्प वॉज अ 6 cent डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, it went right into its collection and stayed there till I took it out and opened it. The paper inside wasn't blank. तो वहाँ पे अंदर जो blank papers usually रखते हैं, but वो letter जो है उसके अंदर blank नहीं था. It was addressed to the narrator. Charlie, I got to wishing you that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true, I found the third level and I've been here 2 weeks, and right now, down the street at the Dalies, someone is playing a piano and they're all out on the front porch singing Seeing Nelly Home, and I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Lucy. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. So, unke friend jo past mein chale gaye the, unhone unke grandfather ko letter bheja, jisko अभी सैम ने खोला तो उसमें लिखा हुआ है कि उनको आना चाहिए. द नोट वॉज साइंड सैम. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई
Koto, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do and certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business, why Sam was my psychiatrist. So, उनका जो साइकियाट्रिस्ट जो अभी तक विश्वास नहीं कर रहा था कि वहाँ पे कोई थर्ड लेवल है, उसको जो है फाइनली थर्ड लेवल मिला और वो जो है 1894 में चला गया. सो दिस इज़ द स्टोरी विच बेसिकली टेल्स अस दैट एनीथिंग इज़ पॉसिबल एंड देर आर सम स्टोरीज विच आर एब्सोल्युटली यू नो डिफरेंट एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव इन. एंड व्हेन पीपल टेंड टू कम अप और टेल और टॉक अबाउट दीज स्टोरीज मोस्ट पीपल डोंट बिलीव देम. ऐसा कोई आपके साथ भी कोई स्टोरी हो सकता है जो आपको किसी ने बताया हो या आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो जो बेसिकली आपको अजीब लगा बट कोई और उस पर विश्वास नहीं किया है. सो आई होप यू ऑल एन्जॉय द स्टोरी एंड यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. थैंक यू वेरी मच.